रवा डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप रवा, ये आप कोई भी रवा ले सकते हैं मोटी पतली, ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, ये मैंने 1/2 कप लिया है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये है मैदा जिसको मैंने 1/4 कप लिया है, ये मेजरमेंट कप का 1/4 कप है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैंने डाल दिया है। अब ये है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी प्याज, ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया जिसको मैंने महीन काट लिया है, सो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, ये मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना जीरा, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास पानी, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी की और ज़रूरत है तो मैं इसमें और पानी डालूँगी, इसे मैं 1/2 ग्लास और डाल रही हूँ। और ये मैं 15 से 20 मिनट के लिए, मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना दही, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, छोड़ देंगे ताकि जो पानी हमें ज़रूरत पड़े तो हम डालें बाद में, अगर ज़रूरत ना हो तो आप ना डालें। ये देखिए हमारा कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, लिक्विडी बिल्कुल, ये परफेक्टली हमारा हो चुका है। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे हम मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। तो आप इसी तरह से बनाएं तो आपका रवा डोसा बहुत ही परफेक्टली बनके तैयार होगा। तो अब इसे हम बनाते हैं डोसा। अभी हमारा तवा गर्म हो चुका है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम एक कपड़े की हेल्प से थोड़ा पोंछ देंगे, और हल्का सा बटर मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसने हमें जो पेज तैयार किया था इसे हम एक बार फिर से चला लेंगे और इसके ऊपर हम फैला देंगे कुछ इस तरह से। अब इसे अच्छे से फैलाएं तो ये अच्छे से बनके तैयार होगा। इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एक तरफ जब हमारा अच्छे से पक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। अभी हमारा हल्का हल्का पकना लगा है तो हम साइड साइड में थोड़ा बटर डाल देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा बटर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पके, तब हम इसे घुमाएं तब। तो अब इसे हम हल्का हल्का चला लेंगे कुछ साइड साइड से ताकि हमें पलटने में आसानी हो। ये हमारा एक तरफ पक चुका है तो इसका साइड कॉर्नर्स हम हटा लेते हैं ताकि ये हमारे पलटने में आसानी हो। तो ये मैं पलट रही हूँ और ये हमारा परफेक्टली बन गया है। तो अभी से हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही पका लेंगे, फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा दूसरी तरफ भी पक चुका है तो हम इसे पलट देते हैं और इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा रवा डोसा परफेक्टली बनके तैयार हो चुका है। ये हमारे इंस्टेंट रवा डोसा बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो चुके हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। और इसे आप सर्व कर सकते हैं कोकोनट चटनी एंड रेड चटनी के साथ में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू एंड एंजॉय।